धार से खबर, जहां भोजशाला में 49वें दिन भी सर्वे जारी है। एएसआई के 14 अधिकारी निगरानी में जुटे हुए हैं, सर्वे कर रहे हैं। गर्भगृह समेत चारों तरफ मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। कड़े सुरक्षा के बीच निगरानी की जा रही है और सर्वे का काम चल रहा है। नवीन साथ जुड़ गए हैं। नवीन, अभी भी जो सर्वे है वो जारी है, मुस्लिम पक्षकार और हिंदू पक्षकार भी क्या मौजूद है भोजशाला में? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये सर्वे जो है इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर जो है शुरू हुआ है। 22 मार्च से ये सर्वे शुरू हुआ है और सर्वे का आज 49वां दिन है और ये सर्वे भी शुरू हो चुका है। सुबह से ही एएसआई की टीम जो है भोजशाला के अंदर पहुंच चुकी है। एएसआई के 14 अधिकारी और 22 मजदूर जो है वो भोजशाला में इस समय मौजूद है, जो सर्वे कार्य में जुटे हुए हैं। साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी अंदर हैं, जो कि वो भी इस सर्वे में जुटे हुए हैं और उनको इसलिए रखा गया है ताकि ये सर्वे में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। वहीं दूसरे को बताना चाहेंगे कि अब तक जो है सर्वे में कई प्रकार की चीजें सामने निकल कर आई है। गौशाला के गर्भगृह वो चारों ओर जो है वो खुदाई का काम किया जा रहा है, उत्खनन का काम किया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार के अवशेष जो है वो निकल कर सामने आए हैं। गौशाला में जो है सीढ़ियां भी मिली थी और दो जो है वो दीवार भी मिली थी। इसके अलावा जो है गोमुख भी यहाँ से मिला है और दो गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं भी यहाँ से मिली है। इसके अलावा छोटे छोटे लोहे के और भाले के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जो सर्वे का कार्य जो है वो किया जा रहा है। साथ ही इस पूरे काम की जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जा रही है। साथ ही जो अवशेष यहाँ पे मिले हैं उनके एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, स्केचिंग की जा रही है और जो चीजें यहाँ पर है उनको शीट के ऊपर जो है उकेरा जा रहा है। इस प्रकार से ये पूरी रिपोर्ट तैयार हो रही है। पूरे रिपोर्ट जो है इंदौर हाईकोर्ट में पेश होगी, जिसके बाद में इंदौर हाईकोर्ट जो है इस पूरे मामले पर डिसीजन। बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते